गुरु नानक नगर की जो वर्षों से चली आ रही जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं से लगातार लोग दो चार हो रहे हैं और बड़ी परेशानी का एक सबब बना हुआ है। और आज उपखंड कार्यालय में यहाँ ज्ञापन देने वार्ड के जो लोग पहुँचे हैं, ये 25 से 32 तक जो समस्याग्रस्त वार्ड हैं उन वार्डों के लोग यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ उपखंड अधिकारी भी नहीं मिले, तहसीलदार जी भी नहीं मिले, और फिर नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है, क्या समस्याएं हैं, क्या बात है। हरविंदर गर्ग जी जो पार्षद हैं वो बताएंगे। वार्ड संख्या 25 से 32 को स्थानीय प्रशासन ने एक गांव की तरह बना के रखा हुआ है, और पानी की निकासी के संबंध में कलेक्टर महोदय से भी मिले थे और आज एस यू साहब से मिलने आए तो नायब साहब हमें मिले, तो हमने उनको ये बताया कि अगर पानी की समस्या तो मेन है ही है, उसके साथ आप देखेंगे तो जगह जगह कचरे के ढेर पड़े हैं, नालियां 8-8, 10 दिन निकाली नहीं जा रही हैं, और स्ट्रीट लाइटें आप देखोगे तो सारा संगरिया शहर ही अंधेरे में बसा हुआ है, रात को कोई लाइट नहीं जलती है और फर्जी बिल उठाए जा रहे हैं, और हमने कम से कम 2 महीने से ये कह रहे हैं और लगातार चोरियाँ बढ़ रही हैं, तो इसलिए हमने आज ज्ञापन दिया है कि हमारी इन मांगों पर अगर सुनवाई नहीं की तो हम जल्दी धरना प्रदर्शन करेंगे और जिसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। तो क्या इस संबंध में जो यो साहब जो यहाँ खाली रहती है सीट, तो वैसे वो मैंने पर बात की होगी आपने? मैंने पोल के संबंध में बात की थी कि लाइटें सारी खराब पड़ी हैं, रात को जल नहीं रही हैं, तो रोजाना ये कहा जा रहा है कि आजकल में हम इसका टेंडर खोल रहे हैं और लाइटें करवा देंगे, लेकिन गाहे बेगाहे जो कुछ सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके वार्ड में तो 1 घंटे बाद लाइट चेंज हो रही है, लेकिन कुछ वार्डों में तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, और विशेषकर गुरु नानक नगर की ओर। कि आपके कहने का आशय है जो कांग्रेस के चेयरमैन हैं वो एक दलगत के हिसाब से काम करवा रहे हैं? नहीं, दलगत तो है ही है, उसके साथ साथ जो जिनके पार्षद ज्यादा हैं घर के उनके लिए विशेष अभियान चल रहे हैं। ठीक है, ठीक। और मैं निवेदन करूँ कि जैसा मैंने कलेक्टर साहब से भी ये कहा था कि वार्ड नंबर 25, 26 और 27 की एक व्यवस्था के लिए एक नाला निर्माण हुआ था और जिसका साइफन रेलवे लाइन के नीचे से बनाया गया था आउटर सिग्नल के पास, और उसके लिए 20-22 लाख रुपए का भुगतान भी नगर पालिका द्वारा रेलवे को किया गया, लेकिन उसको मिट्टी डाल के बंद कर रखा है, और पैसे लगने के बावजूद वो काम बीच में रोक रखा है। बिल्कुल, वो सिर्फ बात वही है कि हमारे पार्षद ज्यादा हैं, हम ये पानी गंदा इधर नहीं आने देंगे, जबकि उधर बहुत जगह दूसरे चाहे डूब जाए, दूसरे चाहे डूब जाए। और एक आपके टिब्बी बस स्टैंड का जो नाले का बहुत दावे किए जा रहे हैं, उसकी क्या हालत थी? उसकी हालत तो उल्टे बांस बरेली को है, नाले का जो दिशा होनी चाहिए थी वो उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए थी, और मैं बताऊं कि जब आबादी बहुत थोड़ी थी उस समय ग्रामोत्थान से एक निवेदन करके उस समय के नगर पालिका अध्यक्ष ने एक छोटी सी डिग्गी स्वीकृत करवाई थी, और वो डिग्गी वो 20 साल पहले की बात है, वो 20 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है। और उसमें पानी जो है, वो पानी जो है जितनी संख्या जनसंख्या आज उधर गुरु नानक नगर में है, उस डेली के पानी को ही वो नहीं ले पाती है, और इसके लिए सड़कों पे पानी खड़ा रहता है, और वार्ड नंबर 25 से 32 के लोग वो काम रुका हुआ है, नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और वो काम भी बंद पड़ा है। जो स्थानीय वार्डवासी है वो किस तरीके से रोजाना ये पानी निकासी, स्ट्रीट लाइट और जो सामान्य व्यवस्थाएं हैं उसके लिए किस तरीके से जूझ रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं? देखिए, समस्याएं इतनी ज़्यादा है जी, गलियों में पानी कीचड़ पड़ा रहता है जिससे मच्छर और आगे बीमारियां आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। लोगों ने आप जाके देखो गलियों में घरों के आगे दीवारें बनवा रखी है ताकि गली का पानी अंदर ना जाए, अब वो रोज़ नए घर ऊंचे करके बनवा नहीं सकते, और जो पानी की जो निकासी है वो ले नहीं रही है नाली, सबसे बड़ा रीज़न यही है, नाली बिल्कुल पानी है वो थोड़ा ले पा रही है और वो पानी वहीं गलियों में रह जा रहा है। ठीक है, इस और उसके कारण क्या है कि वो पानी बिल्कुल सड़कों पे आ जाता है, लोगों के घरों में भी थोड़ी सी बारिश आती है लोगों के घरों में चला जाता है, तो ये बारिश के सीजन में लगातार दिक्कत रहती है। मैं आपको बताऊं कि ये गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने के फलस्वरूप आप देखेंगे कि संगरिया जो है मेरे हिसाब से जो भावों में रेटों में है वो चंडीगढ़ को पीछे छोड़ रहा है, और जो हमारा जो एरिया है आप जाके देखेंगे तो वहाँ कोई प्लॉट लेके भी राजी नहीं है, और बड़े बनाए मकान जिस आदमी ने किसी ने 20-25 लाख रुपए ऊपर लगाए हैं बनाने में निर्माण कार्य में,
उनको प्लाट के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं आज की तारीख में, इतना बुरा हाल है। मैं पिछले 10 साल से लगातार देख रहा हूँ भी उन वार्डों में, टिब्बी बस स्टैंड के आसपास जो वार्ड है, 3-4 वार्ड, उनको उन घरों में 10 साल से पानी भरा है। समस्या जो कि त्यों है, हर साल आंदोलन होता है, हर साल बात आती है भी, आदमी तो काम पे निकल जाता है, पीछे जो रोजमर्रा की दिक्कतें महिलाओं को बड़ी 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 परेशानी है। किस तरीके की महिलाओं को ये परेशानी आ रही है, जब तक घर में पानी खड़ा रहता है तो हर चीज़ अस्त व्यस्त हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो जाती है, हर तरीके की दिक्कतें हैं। आप तो अपने शब्दों में बताइए कि किस तरीके की दिक्कतें यहाँ आपको होती। प्रशासन इन वार्डों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है, और औरतों को इतनी परेशानी होती है कि उन्हें डिब्बे लेकर पानी निकालना पड़ता है बारिश के मौसम में। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए किसी न किसी के ट्रैक्टर ट्राली के हिसाब से या घर से इसी तरीके से निकालने पड़ते हैं, घुटनों घुटनों तक पानी भर जाता है, बड़ी मुश्किल से हो रहा है। मैंने विधायक जी से भी, जो कांग्रेस के विधायक हैं अभिमन्यु पुनिया जी से भी आग्रह किया था कि एक सर्वदलीय आधार पे या एक शहर के हितों को देखते हुए एक सभी पार्षदों की या सभी मुख्य लोगों की एक बैठक बुलाई जाए, ताकि ये जो गंभीर समस्या है जो हर 3-4 महीने बुरी तरह पूरे साल झेलनी पड़ती है, पर 3-4 महीने एक बड़ी परेशानी का सबब है। क्या ऐसा प्रयास होना चाहिए कि एक सभी मंचों के मुख्य जो लोग हैं इकट्ठा होकर इस बात को, इस समस्या को निस्तारण के लिए प्रयास करें? आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि 25, 26, 28 सारे वार्डों के साथ प्रशासन द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा हमेशा ही सौतेला व्यवहार किया गया। पानी निकासी की समस्या विनोद जी आज से नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी आता है वो प्रेफरेंस ये कहता है कि आपका सारा निदान करेंगे, और सत्ता में आने के बाद कोई भी प्रशासन का बंदा उधर ध्यान नहीं देता, जैसे शहर की हर व्यवस्था से दूर रखा जाता है, कोई सुविधा नहीं है। जैसे भाई साहब ने कहा, पानी निकासी की इतनी तगड़ी प्रॉब्लम आती है, डब्बे ले लेके घरों से बाहर अड़ोस पड़ोस वालों से झगड़ा होता है, क्यों हम निकालते हैं पानी, उनके घर में घुसता है, तो वो आपस में झगड़े के कारण भी होता है। एक बात आइए, जब आपने ज्ञापन दे दिया है, लंबा चौड़ा ज्ञापन दिया है, लंबी चौड़ी समस्याएं लिखी है, समस्याएं भी वास्तविक धरातल स्तर पर काफ़ी बड़ी है, आगे आपका क्या रहेगा? हमारा तो यही प्रशासन से निवेदन है कि हमारी समस्या सॉल्व की जाए, नहीं तो हम धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम की कार्रवाई करेंगे। हाँ प्रिंस मिटा जी, आप बताइए कि किस तरीके की ये दिक्कतें हैं। आपने भी कुछ 2-3 दिन पहले खूब प्रदर्शन किया जिसमें सैकड़ों महिलाएं थी और बड़े स्तर पे ये काम यहाँ था, तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 3.5 साल से हमारा जो यह चेयरमैन है सुखबीर सिंह जी सिद्धू, इनके द्वारा धरातल पर कोई काम नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने वाहवाही लूटने का काम किया है। दावे तो खूब बड़े हैं, सिर्फ खोखले दावे हैं, कुछ भी नहीं है, खोखले दावे हैं। आपकी इस बात का क्या आधार है? आप तो सीधा डायरेक्ट चेयरमैन पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल सीधा आरोप लगा रहे हैं हम चेयरमैन पर। आप बताइए, आज संगरिया की जो सफाई व्यवस्था है वह गर्त की ओर जा रही है। जब कोई नया बोर्ड बनता है, नया चेयरमैन बनता है, नए पार्षद बनते हैं, जनता की सबसे पहले मांग क्या होती है कि हमारा संगरिया है जो साफ सुथरा हो, अच्छी सड़कें हों, नालियों में सफाई हो, और किसी भी प्रकार की जो है महामारी है वह नहीं फैले, बीमारियां नहीं फैले। उसके बाद के जो कार्य हैं, विकास कार्य हैं, चाहे सड़कें हैं, नाली निर्माण है, वह बाद के कार्य हैं, लेकिन जो प्रथम पंक्ति का कार्य था उसमें ही नगरपालिका पूरे 3.5 साल में विफल रही। और मैं तो यह कहूँगा कि नगरपालिका की जो अध्यक्ष कुर्सी पर है, अध्यक्ष को नए बिठा कर ऐसे लग रहा है किसी ठेकेदार को बिठा दिया गया हो, क्योंकि ठेकेदारों को लाभ पहुँचाया जा रहा है, जो उनके चाहिए थे ठेकेदारों ने टेंडर दिए जा रहे हैं, जो काम आज से महीने पहले हो गया उसका टेंडर अब निकल रहा है। आप तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका नारा है अभी मैं बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ, मैं संगरिया का बेटा हूँ और संगरिया का सबसे ज्यादा चिंतक मैं ही हूँ। संगरिया की जनता आज इस चेयरमैन से सबसे ज्यादा पीड़ित है। आगे अनेकों पहले कई चेयरमैन आए थे और आगे भी आएंगे, लेकिन इस चेयरमैन से सबसे ज्यादा पीड़ित है संगरिया की जनता है। वह जिसने ऐसा चेयरमैन कभी नहीं देखा जो सिर्फ हवाओं में काम करता है, सोशल मीडिया पर बोलने का काम करते हैं। आप हमारे चेयरमैन हो, आप उन 26 लोगों के भी चेयरमैन हो। आज हमने आपको वोट नहीं दिया, आपका समर्थन नहीं करते, हमारी विचारधारा अलग है, आप हमारे भी चेयरमैन हो, लेकिन इनके द्वारा हमेशा से ही सौतेला व्यवहार किया गया। बीजेपी कांग्रेस एक अलग मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा एक अलग है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, नए जाने इनके साथ जो पार्षद हैं, कई पार्षद तो ऐसे जो खफा हैं इनसे, बड़े हास्यास्पद बात है। हाँ, कई पार्षद इनसे खफा है, चेयरमैन इनको धुतकार दिया,
उनका फोन नहीं उठाते, उनसे मिलते नहीं है, उनको टाइम नहीं देते हैं, लेकिन वह पार्षद पता नहीं किस दबाव में है, उनके ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है, उस कार्यक्रम में जाते और ताड़ियां बजाते हैं ऐसे पार्षद। बिल्कुल, मैं ये देख रहा हूँ कि आज इतने लोग इकट्ठे हुए, अभी कुछ लोग चले गए हैं, जैसे पार्षद की संख्या में आप दो लोग ही पहुंचे हैं, जो देखने वाले उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है भाई जैसे आपके दो वार्डों में समस्या है, बाकी वार्डों में समस्या नहीं, जबकि अन्य वार्ड भी ऐसे हैं जहां बहुत दिक्कतें हैं, बहुत पानी की और की निकासी की दिक्कतें हैं। उस दिन भी जिस आप 25 नंबर वार्ड की आप जिक्र कर रहे थे, सैकड़ों महिलाएं वहां खड़ी थी, तो मैंने देखा उस वार्ड के पार्षद भी मौजूद नहीं थे। वो बात आपकी सही है, कई बार क्या होता है कि कोई पार्षद है किसी प्रकार का कोई दबाव मानते हैं, उनको ऐसे होता है कि आगे हमने चुनाव लड़ने हैं या चेयरमैन हमारे धनाढ्य हैं, किसी प्रकार का हमें नुकसान ना पहुंचा दे, हमें किसी बात का खौफ नहीं है, ठीक है, 1% किसी बात का खौफ नहीं है। और आपको बताना चाहूंगा, चाहे मैं 21 से पार्षद हूँ, अरविंदर जी 30 से पार्षद हैं, हमारे लिए पूरी संगरिया की जनता एक बराबर है। संगरिया की जनता के लिए कोई भी उनका कार्य होगा, कोई भी उनको किसी भी प्रकार की समस्या आएगी, हम प्रत्येक वार्ड के लिए खड़े हैं, प्रत्येक जनता के उस प्रत्येक अंतिम व्यक्ति के लिए खड़े और अंत तक लड़ेंगे। चेयरमैन साहब चाहे अपनी मनमर्जी से कुछ भी करें, चाहे वह खोखली वाहवाही लुटे, लेकिन हम उनके द्वारा जो संगरिया को जो यह बैकफुट पर ले गए पिछले लगभग जो 10-15 सालों से संगरिया की सफाई व्यवस्था थी वह अच्छी थी, चेयरमैन किसी भी पार्टी का था, लेकिन आज इतनी गर्त होगी। आप किसी भी जो सुलभ शौचालय बनते हैं, आप उनकी जाकर एक बार फोटो खींच के देखें, वीडियो बना के देखें, सफाई कर्मचारी हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। चेयरमैन साहब का कोई उनको कह दिया अगर 2 घंटे उनकी ड्यूटी दें तो 1.5 घंटा ड्यूटी देकर बैठ जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि पूरे शहर को गर्त की ओर इन्होंने भेज दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे भी निवेदन करूंगा, इस मांग को आप ऊपर तक उठाएं, कलेक्टर तक या उससे आगे तक यह मांग जाए। चाहे मैं बीजेपी का हूं, रविंदर जी बीजेपी के हैं, कोई कांग्रेस का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आज हम जनता के लिए इकट्ठे हुए, जनता की मांग के लिए इकट्ठे हुए हैं। गुरु नानक बस्ती की, गुरु नानक नगर की जो यह मांग है, 5-7 वार्डों की लंबे टाइम से मांग उठा रहे हैं, और नगरपालिका संग्रिया द्वारा खोखली वाहवाही लूटी गई है, लेकिन उसके ऊपर धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया। इसके अलावा सफाई व्यवस्था शून्य है, लाइट व्यवस्था की आप बात बताना चाहूंगा, जब किसी पोल पर लाइट खराब हो जाती है और लाइट सही करने वाले जो कर्मचारी वो यह बोलते हैं कि लाइट के लिए हमारे पास ड्राइवर नहीं है, लाइट नहीं है। अब ऐसी नगर पालिका आप देखिए, लूटने के लिए तो वहाँ पर करोड़ों सामान्य सुविधाएं, जो सामान्य सुविधा है वो भी नहीं है, लेकिन जब वहाँ से ठगी मारनी है, लूटना है, तो वहाँ पर करोड़ों रुपए है, एक लाइट लगाने के लिए नगर पालिका में लाइट नहीं है, ऐसी दुर्गति नगर पालिका। ये है पार्षद प्रिंस पीडा और हरविंदर गर्ग के साथ वार्ड के सभी मुख्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, और जिस तरीके से इन्होंने समस्याएं बताई है, लंबी और पुरानी समस्याएं हैं, इसके निस्तारण के लिए आज यहाँ उपखंड कार्यालय में आए और यहाँ उपखंड अधिकारी के नाम से ज्ञापन दिया।